काला तेल समझने की आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी जब आप ले आएंगे। देखते थे आप कितना काला था, स्वा काला तू काले बूथे आला, और आप देखिए कितना हसीन जमील मगरमच्छ बन गया है। आपने ऐसी सफाई करनी है जैसे मैंने आपको बताई, और 5 मिनट नहीं लगे यकीन करें और हो गया। ये जो थोड़ी थोड़ी है ये मैं आपको करके आपको फाइनल लुक चूल्हे की दिखाऊंगी। ये देखिए ये थोड़ी थोड़ी भी रहती थी, मैंने कहा मैं आपको शाइनी चूल्हा दिखाऊँ। ये इतने प्यारे ही देखेंगे, कभी भी नहीं उतरते। लेकिन ये विद द हेल्प ऑफ ब्लैक तेल सारा ग्रीसी सारा कालक सब उतर जाता है। वो बहुत ही जो है ना मज़ा आता है फिर सफाई भी करने का। ये देखें ये थोड़ा थोड़ा है, ऊपर ऊपर से तो चालू कर ही लेते हैं हम सफाई चूल्हे की। अब डेली बेसिस पे अंदर नहीं हो सकता रूटीन लाइफ में। आज मेरे पास टाइम था, मैंने आपको भी बताना था काले तेल के कमालात, तो मैंने फिर सोचा कि ये देखें ये अभी कितना ये था, और अभी आपके सामने मैंने ज़्यादा वो भी नहीं कर रही, ज़्यादा मल भी नहीं रही। ये देखें अब आपको मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए इतनी ग्रीस निकली, इतनी ग्रीस निकली, और फिर मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखें अभी मैं आपको सिर्फ जितनी राख कालक थी वो सारी मैं जो है ना कपड़े में समेट रही हूँ, और आप खुद हैरान हो जाएंगे मेरी तरह। 5 मिनट में चूल्हा जगमग। ये देखें अब मैंने कुछ नहीं लगाया इस पे, ना सर्फ ना कुछ, सिर्फ काला तेल और लिक्विड भी बेशक आप ना लगाएं। और आप अब इसकी चमक देखें, चमक देखें आप इसकी, कैसे चूल्हे साफ हुए जो कि काले से हुए थे। और अभी मैंने इन पर ज़्यादा मेहनत नहीं की, थोड़ी सी करूँ तो ये लगे जिस तरह भी न्यू स्टोव लाए हैं। सारे मैंने मांझनी है स्टोव स्टोव। ये देखें आपको मैं दिखाऊं सारा काले तेल की मदद से, ज़्यादा कूचना भी नहीं पड़ा। और ये देखें ये आप देख सकते हैं कितना काला ब्लैक था चूल्हा, और ये शाइनिंग चेक करें, बंद करें काला तेल। ये देखें ये सिर्फ आप यकीन करें ये काला तेल जब से मैं लाई हूँ ना, ग्रीसी में जो है ना हर चीज़ पे ग्रीस। वैसे मेहनत तो हम करते हैं, बर्तन भी मांझते हैं कूचते हैं जब ख़राब हो जाएं काले हो जाएं, लेकिन ये जो मैजिकल इफ़ेक्ट है ना ये किसी चीज़ में नहीं दिया। ये बस लगाओ और ये देखिए सारा काला तेल अपने साथ सारा काला काला ले आकर, उसके बाद सफाई भी आसान हो जाती है। और मैं तो आपको यकीन बताऊँ जब से ये ले लिया, फिर अब मैं किसी दिन आपको पतीली भी दिखाऊँगी। ऐसे लगती है जिस तरह अभी नई है, लगता ही नहीं कि प्रॉब्लम है। ये मैंने काफ़ी अंदर वाली जो है ना सफाई इसकी नहीं की थी चूल्हे की, तो इधर ज़रा ये जम गया, चाय वगैरह उबलता है ये, इसलिए मैं ज़रा छुरी पकड़ ली है, वरना इसकी भी जरूरत नहीं आपको पकड़ेगी। देखें ये मैं कहूँगी कि ये मैं ऊपर से साफ़ कर लेती थी, नीचे से मैंने नहीं साफ़ किया था। ये देखिए हाल अब आज मुझे भूत सवार हुआ कि इसको साफ़ कर लूँ, तो बस ये ब्लैक तेल जो है काला तेल ये ले आएँ, इससे जो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब ये मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये लगाया, अब ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ऐसी माशाल्लाह ये चमक आ जाती है ना कि जो काली पतीलियाँ होती हैं सब कुछ, आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये बेशक पानी में डाल के डिप करके कर लें, या ऐसे ही मैंने इधर ना रखा, ये रखा हुआ है, बस इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं कह रही हूँ कि जो पतीलियाँ कभी मैं कभी इस दिन ब्लॉग बनाऊँगी, ऐसी शानदार शाइनिंग आ जाती है कि हैरानगी होती है कि वाह क्या सफाई की है, मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती। अब आज तो मैं ज़रा चूल्हे की सफाई कर रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये देखें ये चूल्हा, और फिर इसका रिज़ल्ट आपको दिखाऊँगी कि ये ज़्यादा मैंने मेहनत भी नहीं की। और ये देखें आप यहाँ से पता चल जाएगा इस तरह का ब्लैक था, और अभी मैं भी सफाई कर रही हूँ, और ये इसकी हेल्प से काले तेल की किसी भी पिंसार की शॉप से इजीली मिल जाता है। लेकिन लोगों को ना ज़्यादा पता नहीं, मुझे भी नहीं पता था, जब मुझे पता चला तो ये तो मैजिकल इफ़ेक्ट देता है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये देखें जनाब ये मेरे चूल्हे का हाल, ये देखें ज़रा है कोई हाल, ये देखें दूसरा। बच्चे ऐसी चीज़ें
उबाल देते हैं, ये चूल्हा देखकर आप सब समझेंगे कि जैसा मैंने कभी सफाई ही नहीं की, पर ये 2 दिनों में यही चूल्हे का हाल है, चीज़ें बॉईल होकर गिर जाती हैं और कोई साफ नहीं करता। इसके लिए हम काला तेल यूज़ करेंगे, साथ एक स्टील वूल और थोड़ा सा कोई भी लिक्विड। चलिए अब हम सफाई करते हैं। सबसे पहले तो ना आप इस तरह करें कि थोड़ा सा ये लगा लें, फाइनल लुक चूल्हे की जो कि आपने देखा था कैसे। और अब देखें आप, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया चूल्हे की सफाई में, क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं दरकार हुई। और विद द हेल्प ऑफ ब्लैक तेल ज़िंदगी आसान। आप भी लें, सुकून करेंगे। ये भी देखें फिक्सिंग चूल्हे की, ये भी काम है एक। ये देखें अब मेरे चूल्हे की प्यारी सी लुक, शाइनिंग लुक। मेरा दिल खुश होगा सुबह कुकिंग करते हुए। ये देखें अंदर तक सब साफ। चलें अपना ख्याल रखें और काला तेल जल्द अज जल्द ले आएँ। सब पतीलियाँ साफ 5 मिनट में होती हैं और चूल्हे की शाइनिंग भी चेक करें। और जब आप ये वीकली इस्तेमाल करेंगी, यूज़ करेंगी, तो आप खुद सोचें कि कितनी चीज़ें प्यारी लगेंगी। अल्लाह हाफिज़।